Okay, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am going to discuss today the last topic in the main heading intelligence, the Indian test, Indian adaptation of intelligence test, that is Bhatia's battery of performance tests of intelligence. Okay, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID. The video will be in bilingual mode and it must be useful for various teaching examinations. And please do subscribe my channel too so that you can get my future videos too. Let's start. First of all, Bhatia battery. Kyun isko battery keh rahe hain? बैटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कई सब टेस्ट हैं. परफॉर्मेंस टेस्ट, हमने इतना इंटेलिजेंस पर बात कर लिया आप लोगों से कि आप लोग जान गए हैं कि नॉन वर्बल टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है. क्योंकि उसमें भाषा की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है. तो कौन है इसके बनाने वाले? श्री चंद्र मोहन भाटिया जी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला, कंस्ट्रक्टेड दिस टेस्ट फॉर इंडियन पॉपुलेशन इन 1955. यानी कि जब डेविड वेशलर ने वेशलर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस अपना पहला बनाया WAIS, तभी भारत में ये भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का भी निर्माण हुआ है. इट इज वन ऑफ द पॉपुलर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडिया. भारत में ये बहुत पॉपुलर टेस्ट है. जितने भी लोग साइकोलॉजी और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन्होंने जरूर भाटिया बैटरी का नाम सुना है. एंड डिस्पाइट सम ऑफ इट्स लिमिटेशंस, इसकी कुछ कमियां भी हैं, द बैटरी स्टिल इज वन ऑफ द फेवरेट्स अमंग मैनी साइकोलॉजिस्ट. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बीच ये बैटरी अभी भी बहुत फेवरेट है. और कौन से पांच सब टेस्ट हैं इसके? कोर्स ब्लॉक डिजाइन, एलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्रॉइंग टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, BDPA PDPCIM. तो ये पांच सब टेस्ट हैं जो मिलकर भाटिया बैटरी बनाते हैं. ओके, सो वन बाय वन देखते हैं सबको. कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, नाम से स्पष्ट है कि ये क्या है, ब्लॉक का कोई डिजाइन है. तो इसमें क्या होता है, दिस बैटरी इंक्लूड्स 10 डिजाइन फ्रॉम द ओरिजिनल 17 डिजाइन फ्रॉम द कोर्स टेस्ट. यानी कि ये भाटिया साहब ने नहीं बनाया है, ये कोर्स साहब का बनाया हुआ है. उसमें से उसके 17 डिजाइन में से 10 डिजाइन इन्होंने लिए हैं. देन होता क्या है इसमें, टाइम फॉर द फर्स्ट 5 डिजाइन इज 2 मिनट्स एंड फॉर द रिमेनिंग 5 द टाइम इज 3 मिनट्स. यानी कि विषय को, सब्जेक्ट को, स्टूडेंट को हम देते हैं पहली 5 डिजाइन बनाने के लिए 2 मिनट और बची हुई 5 डिजाइन बनाने के लिए 3 मिनट दिया जाता है. तो डिजाइन बनाने का क्या इस पे तात्पर्य है, द कार्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ कलर्ड डिजाइन आर शोन टू द टेस्ट टेकर. बहुत सारा देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे तरीके के कार्ड्स हैं और ये उसके ब्लॉक्स हैं. तो क्या होता है कि कलर्ड डिजाइन टेस्ट टेकर को दिखाई जाती है और उसे क्या कहा जाता है, आस्क टू रिप्रोड्यूस देम यूजिंग अ सेट ऑफ कलर्ड ब्लॉक्स. उसको डिजाइन दिखाई जाती है और ब्लॉक दे दिए जाते हैं और उसको बताया जाता है कि आपको इस ब्लॉक से ये डिजाइन बनानी है. एंड परफॉर्मेंस इज नॉट जस्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द ड्रॉइंग्स बट ऑल्सो ऑन द एग्जामिनर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग द टेस्ट. हम आपको सिर्फ इस बात के अंक नहीं मिलेंगे कि आपने कितना परफेक्टली उसको बनाया है, बल्कि इस बात का भी, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो टेस्ट टेकर है, वो आपके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर रहा है ड्यूरिंग द टेस्ट. और द डिजाइन बिकम प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स. यानी कि कह रहा है ना कि पहली 5 के लिए 2 मिनट देता है, बाद की 5 के लिए आपको 3 मिनट देता है. इसका मतलब कि डिजाइन जो है वो उत्तरोत्तर कठिन होती जा रही हैं. ओके, तो इसमें है 10 डिजाइन कोर्स ब्लॉक डिजाइन में, जिसमें कि मूलतः 17 थी, उसमें से 10 लिया गया है. आपको पैटर्न दिखाया जाता है, डिजाइन दिखाई जाती है, ब्लॉक दिया जाता है और बता आपको उसी तरीके का डिजाइन बनाना होता है. और 2 मिनट मतलब कितना कम समय, इसका मतलब कि एकदम क्विकली, तभी तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपकी इंटेलिजेंस को मेजर कर पाएंगे. ओके, देन एलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट, ये एलेक्जेंडर साहब का बनाया हुआ है. गिवेन बाई created by William Picken Alexander in the year 1937 at Edinburgh University. Edinburgh University में ये test 1937 में बनाया गया, Alexander का pass along. और इन्होंने क्या किया है, all the designs of the original test are included in this battery. इस battery में सभी design जो Alexander साहब के थे वो ले लिए गए हैं. Then the test taker puts the blocks and trays in a wooden box. ये देखिए wooden box है ना जिसमें ये
आपके क्या नाम है ब्लॉक और ट्रेज ये रखे हुए हैं इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट अलोंग विद द कार्ड इन विच अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड ट्रेज इज रिप्रेजेंटेड। मतलब सब्जेक्ट को वो कार्ड दिखाया जाता है जिसमें ब्लॉक और ट्रेज का कॉम्बिनेशन होता है। फिर सब्जेक्ट को क्या करना होता है, द सब्जेक्ट हैज टू अरेंज द ब्लॉक्स इन द बॉक्स एग्जैक्टली लाइक द वन शोन ऑन द कार्ड्स। यानी कार्ड में जैसा शो किया जा रहा है उसी तरीके का उसको डिजाइन बनाना है जो कि उसको ब्लॉक उसमें दिए गए हैं। द सब्जेक्ट इज ओनली अलाउड टू स्लाइड द ब्लॉक्स एंड कैनॉट पिक देम अप। ये खास बात है इसमें जो कि कोर्स ब्लॉक डिजाइन में नहीं है। पास अलोंग है ना, पास कर सकते हैं आप, उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको उठा नहीं सकते। द सब्जेक्ट हैज टू अरेंज द ब्लॉक्स इन द बॉक्स एग्जैक्टली लाइक द वन शोन ऑन द कार्ड्स। जैसा कि कार्ड में दिखाया गया बिल्कुल हमको वैसा बनाना है, बट द सब्जेक्ट इज ओनली अलाउड टू स्लाइड टू शिफ्ट टू पुश टू पास अलोंग द ब्लॉक। हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक को खिसका सकते हैं, मूव करा सकते हैं, उसको उठाना नहीं है अपनी जगह से। ये इसके संग एक खास बात जुड़ी हुई है, the first four of these have to be completed in 2 minutes and the rest of the four have to be completed in 3 minutes। ओके, इसका मतलब 8 हैं इसमें, है ना? तो पहले 4 को बनाने के लिए 2 मिनट मिलता है और आखिरी 4 को यानी कि 1, 2, 3, 4 को बनाने के लिए 2 मिनट्स एंड 5, 6, 7, 8 को बनाने के लिए 3 मिनट मिलता है इसमें। ओके, तो ब्लॉक कोर्स ब्लॉक डिजाइन हो गई, अलेक्जेंडर्स पास अलोंग हो गया। अब क्या आएगा, पैटर्न ड्रॉइंग। देखिए दिस टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाई भाटिया, यानी कि ये भाटिया साहब का बनाया हुआ है, इन्होंने कहीं से लिया नहीं है। इसमें करना क्या है, दिस टेस्ट इंक्लूड्स 8 कार्ड्स। देखिए आपको ये 8 इसमें दिख रहे हैं ना, 8 कार्ड्स हैं इसमें। करना क्या है, एवरी कार्ड हैज अ पैटर्न। ओके, ये देखिए इसमें ये बना हुआ है आपका सर्कुल, सॉरी वर्ग की तरीके का है, वर्ग ही है, एग्जैक्टली वर्ग ही है। ठीक, इसमें 2 वर्ग मिल गए, इसमें ये डिजाइन 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 देखिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है डिजाइन। करना क्या है इसमें, एवरी कार्ड हैज अ पैटर्न, हर कार्ड का एक पैटर्न है एंड द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दीज पैटर्न्स इन वन गो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मतलब करना क्या है, हमको पेंसिल को बिना उठाए एक बार में ये चित्र बना देना है, एक बार में पेंसिल को उठाना नहीं है। द टाइम फॉर द फर्स्ट 4 कार्ड्स इज 2 मिनट्स। पहले 4 को बनाने के लिए 2 मिनट मिलते हैं, आखिरी 4 को बनाने के लिए 3 मिनट मिलते हैं। सब्जेक्ट हैज टू स्टॉप द टेस्ट व्हेन फेलियर हैज बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस इन सक्सेशन। अगर 2 लगातार गलतियां हमने कर दी तो हमको रोक दिया जाएगा ये काम करने से, यानी कि हम इस टेस्ट को फिर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये है पैटर्न ड्रॉइंग। इसमें क्या है, पैटर्न मिला हुआ है, उसकी ड्रॉइंग करनी है, पेंसिल को उठाना नहीं है। पेंसिल को अपनी जगह से नहीं उठाना। देन पिक्चर कंस्ट्रक्शन। ये पिक्चर कंस्ट्रक्शन में क्या है, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन विच पिक्चर्स रिलेटेड टू द इंडियन रूरल लाइफ आर फ्रेगमेंटेड इनटू 2, 4, 6, 8 एंड 12 पीसेस रिस्पेक्टिवली। इसमें देखिए कितने दिख रहे हैं आपको, 3 और 4, 12। 12 दिख रहे हैं ना, कि इसमें क्या है, 5 हमको पिक्चर मिलेगी, पिक्चर का सेट मिलेगा जिसको 2 भागों में तोड़ा है, 4 भागों में तोड़ दिया है, 6 भागों में, 8 भागों में और 12 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया है। हमको करना क्या है, उसको जोड़ के उसकी एक कंप्लीट पिक्चर बनानी है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन है। एट वन टाइम पीसेज ऑफ ए पिक्चर आर प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट हु पुट्स देम इन ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्ट्स द पिक्चर। हमको दे दिया जाएगा कि ये आपके वो ये नहीं वो ब्लॉक बच्चे जोड़ जोड़ के बनाते हैं जो उस तरीके का है, तो इसमें हमको फिट करना है सही तरीके से ताकि हम तुरंत एक पिक्चर बना सकें जिस अर्थपूर्ण। द टाइम फॉर फर्स्ट 2 पिक्चर्स इज 2 मिनट्स एंड द रेस्ट ऑफ 3 पिक्चर्स इज 3 मिनट्स। पहली पिक्चरों को बनाने के लिए 2 मिनट मिलते हैं और बाकी 3 पिक्चरों को बनाने के लिए 3 मिनट मिलते हैं, क्योंकि पूरी 5 पिक्चर है इसमें। ओके, इन केस ऑफ फेल्योर रिकॉर्ड नॉट ओनली फेल्योर बट द नंबर ऑफ पीसेज द सब्जेक्ट वॉज एबल टू फिट इन करेक्टली विद द टाइम लिमिट। मतलब जब छात्र विषयी असफल होता है तो हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो असफल हुआ, बल्कि हमको ये भी देखना है कि कितने पीसेस को वो लगा पाया उस टाइम लिमिट में, तो उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, अंक मिलेंगे। ओके, एंड देन पांचवा जो सब टेस्ट है इसका वो है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, यानी कि तुरंत हम कितना रिकॉल कर पाते हैं, हमारी मेमोरी कितनी शार्प है। तो दिस टेस्ट हैज 2 पार्ट्स। इसके 2 भाग हैं, डिजिट स्पैन फॉरवर्ड एंड डिजिट स्पैन बैकवर्ड। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक बार हमको डिजिट आगे करके, मतलब कि डिजिट जो भी है हमको वो एज इट इज तुरंत बतानी होगी, एक बार पीछे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक बार बतानी हो रही है और एक बार 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। द टेस्ट टेकर इज रिक्वायर्ड टू रिपीट द नंबर द एग्जामिनर सेज। एग्जामिनर जो जो कहेगा टेस्ट टेकर को, टेस्ट टेकर जो जो कहेगा उसको रिपीट करना है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इंक्रीज्ड ऑन एवरी ट्रायल। जैसे पहली बार में कहा जाएगा 2, 4, 6, 8,
हमने दोहरा दिया 2 4 6 8, 8 6 4 2 भी दोहरा दिया, लेकिन अगली बार फिर हमारे अंक बढ़ जाएंगे, डिजिट का जो वो स्पैन है वो बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बार जो टेस्ट है वो उत्तर उत्तर कठिन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। द टेस्ट इज कंटिन्यूड टिल द सब्जेक्ट रिपीट्स इट सक्सेसफुल इन द सेम ऑर्डर, दिस इज डिजिट स्पैन फॉरवर्ड। तब तक आपसे पूछा जाएगा तब तक आप सही बता रहे हैं, मतलब जितने टेस्ट वो रखता है अपने में। इन द बैकवर्ड रिकॉल द नंबर्स आर रिपीटेड इन द बैकवर्ड पोजिशन फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट। लास्ट से फर्स्ट में हमको बैकवर्ड उल्टा बताना होगा कि कौन कौन से अंक बोले गए। दिस रिकॉल इज ऑल्सो कंटिन्यू टिल द सब्जेक्ट सक्सेसफुली रिपीट्स द सीक्वेंस। जब तक हम सही बता रहे हैं तब तक हमसे पूछा जाएगा। It has three alternative sets. If failure is recorded in the first set, try the second and third alternative. इसमें ऐसा नहीं कि एक बार उसने पूछा और हम नहीं बता पाए तो हमने immediate memory test में हम फेल हो गए। तीन alternative set हैं। एक नहीं बता पाएगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीनों try किए जाएंगे। If failure is recorded in all three alternatives, अगर हम सभी में फेल होते हैं और final failure is recorded and one must stop, तब माना जाएगा कि हाँ इमीडिएट मेमोरी में हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और रुकना पड़ेगा हमको। ओके, तो अब हमको पता चल गया कि भाटिया बैटरी 1955 में बना, चंद्रमोहन भाटिया साहब ने बनाया है। 5 सब टेस्ट हैं, कौन कौन से? कोज ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर पास अलोंग, पैटर्न ड्राइंग, पिक्चर कंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट मेमोरी। देन डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, स्टैंडर्डाइजेशन इसका कैसे किया गया है। 5 सब टेस्ट है, उनको 4 सालों तक विलेजेस और सिटीज में घूम घूम कर क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स में इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इसकी कितनी निकल के आ रही, 0.55, यानी कि बहुत बेहतर नहीं है, है ना। और वैलिडिटी लेकिन ठीक ठाक है, 0.77 है। फिर कोरिलेशन विद अदर इंटेलिजेंस टेस्ट भी 0.67 से लेके 0.82 के बीच में आता है, यानी कि अन्य बुद्धि परीक्षणों से इतना इसका सहसंबंध गुणांक कितना है। देन टोटल मैक्सिमम टाइम इसका लगता है 40-45 मिनट्स भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा लिखे हुए, क्योंकि 3-2-5, 3-2-5 करके मिल रहा है ना सब में, बार बार इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होंगे आपको, तो कुल मिला के ऐसे 45-60 मिनट तक लग जाते हैं। और टोटल मैक्सिमम स्कोर भी कितना आप सिक्योर कर सकते हैं, 95। ओके, ये तो हुआ टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, बैटरी का डिस्क्रिप्शन। देन लिमिटेशंस, शुरुआत में ही कहा गया था डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस इट इज वेरी पॉपुलर। व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस? सबसे पहली बात, इट हैज नॉर्म्स ओनली बिटवीन 69-131 आईक्यू पॉइंट्स, यानी कि 69 से कम और 131 से ज्यादा का ये रेंज नहीं शो करता है ना, यानी कि आप एक्सट्रीम केसेस इससे नहीं मेजर कर सकते। फिर इट वॉज स्टैंडर्डाइज्ड ओनली ऑन बॉयज, ये भी तो देखिए ना कब बना है, 1955 में तो रिलीज हो गया, तो 1950 के आसपास 4 सालों तक किया गया, मतलब 1950-51 से लेके 55 तक इसका स्टैंडर्डाइजेशन चला। इसलिए उस वक्त लड़कियां इतनी सुलभ नहीं थी जिन पर जाकर परीक्षण किया जा सकता, या वो उस तरीके का समय नहीं था, इसलिए लड़कों पर ही स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। फिर ऑफ 11-16 ईयर्स ऑफ एज ओनली, इनको इन्होंने 16 साल से अधिक उम्र के लड़कों पर भी परीक्षण नहीं किया है। क्यों? इन्होंने ये मान लिया कि 16 साल के बाद जो बुद्धि है वो लगभग स्थिर हो जा रही है, तो ये भी बहुत हद तक आप इसको एकदम सटीक नहीं मान सकते हैं। फिर इसीलिए ये 16 इयर्स वाला जो है वही एडल्ट पे भी ले लेते हैं। बहुत स्टैंडर्डाइज्ड इन 1950s, 50 साल लगे 2000 आने में और अब तो 2022 है, यानी 72 साल पुराना स्टैंडर्डाइजेशन है। तो बहुत ही पुराना हो गया, इन नॉर्म्स की क्या मतलब क्या इस वक्त महत्ता रह गई होगी। फिर इसीलिए इसको दोबारा कोशिश की गई 1990 में, बिकॉज इट वॉज सो ओल्ड दैट टाइम, कि हम इसको दोबारा स्टैंडर्डाइज कर लें, लेकिन ये मतलब उतना बेहतर तरीके से ये नहीं हो पाया, ये आप कह सकते हैं कि पब्लिश नहीं हुआ बढ़िया, पॉपुलराइज नहीं किया गया उसको, तो इस तरीके की इसके संग लिमिटेशंस हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस इट इज वेरी पॉपुलर। Why so popular? It is performance test. पहली बात, non-verbal है, इसमें भाषा की जरूरत नहीं है, and hence can be administered to people with language incompatibility and poor verbal abilities. यानी कि जिनको भाषिक ज्ञान नहीं है बेहतर, जिनके संग कोई दिक्कत है लैंग्वेज की, आप उन पर भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। Then can be used in some cases to children suspected of specific learning disability. अगर जो छात्र है, जो विषय है, उसको कोई विशेष प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, आप उस पर भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दिस सब टेस्ट आर इंटरेस्टिंग, आपने देखा ना, ब्लॉक है, मिलाना है, पेंसिल को उठाना नहीं है, पिक्चर को बनाना है, तो बड़ा अपने आप में ये एकदम प्ले वे मेथड टाइप का इंटरेस्टिंग सा है, तो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं इसको करने के लिए, इंटरेस्ट शो करते हैं, इसलिए भी ये पॉपुलर है। देन है एक बहुत विशिष्टता है इसमें, जो किसी भी और इंटेलिजेंस टेस्ट में नहीं है, सेपरेट सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर इलिटरेट्स एंड लिटरेट्स, विच
apparently seems appropriate given the illiteracy rates in the country and hence appeals to substantial number of the professionals. हमको ये सोचना होगा कि ये किस समय इसकी प्रमाणिकता, इसकी मानकीकरण इसका किया जा रहा है, प्रमापीकृत इसको किया जा रहा है. तो 1950 में लिटरेसी रेट कितना कम था देश का, तो बहुत सारे इनको इलिटरेट भी मिले होंगे, स्टूडेंट्स, बॉयज, इसीलिए. और इन्होंने देखा कि काफी अंतर आ रहा है जो इलिटरेट की परफॉर्मेंस है और जो लिटरेट की परफॉर्मेंस है, इसलिए इन्होंने नॉर्म अलग अलग कर दिया. इलिटरेट का नॉर्म्स अलग दिया हुआ है टेस्ट में, नॉर्म का लिटरेट का नॉर्म अलग दिया हुआ है. लेकिन हम ये भी जानते हैं अब जो इंटेलिजेंस पर हम इतना कुछ जान चुके हैं कि सिर्फ लिटरेसी इंटेलिजेंस को प्रभावित नहीं कर रही है, बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे जो प्रभावित कर रहे होंगे. इसलिए आप सिर्फ इसलिए कि इलिटरेट है और लिटरेट है नॉर्म्स अलग करें, ये कई हद तक सही नहीं भी बैठता है. ओके, बट इट इज पॉपुलर स्टिल. इट इज ईजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर. इसको एडमिनिस्टर करना ईजी है, इसकी स्कोरिंग भी ईजी है. ये सब कुछ मिलाकर इस टेस्ट को इतना पॉपुलर बनाता है. देन हम क्या कंक्लूड करें भाटिया बैटरी के विषय में. इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द पायनियर टेस्ट ऑफ आईक्यू दैट डेल्ट मेनली विद परफॉर्मेंस सब टेस्ट. एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पायनियर एक टेस्ट है आईक्यू मेजर करने के लिए जो मेनली परफॉर्मेंस सब टेस्ट को, नॉन वर्बल सब टेस्ट को डील करता है. फिर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इफ द सब्जेक्ट इज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क विद इन द टाइम लिमिट ऑन एनी ऑफ द लेवल्स इन द फोर परफॉर्मेंस सब टेस्ट द एग्जामिनर डिमॉन्स्ट्रेट्स द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट. इमीडिएट मेमोरी को छोड़ दीजिए, बाकी आपके जितने चारों परफॉर्मेंस सब टेस्ट हैं उसमें अगर विषय नहीं कर पाता है तो उसको जो टेस्ट टेकर है वो एक बार दिखाता है करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आइटम ऑफ द टेस्ट, नेक्स्ट आइटम पर प्रोसीड करने से पहले. तो ये जो चीज है, ये जो पिक्यूलियरिटी है, वो किसी भी और इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए. So, this can actually be considered as one of the best methods to check the actual ability of the person and how well he learns and makes use of the information taught or the feedback. तो एक तरीके से आप ये भी judge कर सकते हैं कि जो student है उसकी actual ability क्या है, कितना बेहतर वो सीख सकता है, कितना बेहतर वो information को perceive करता है, feedback को receive करता है. तो ये भी एक additional इसमें आपको weightage मिल जाता है. Then हम एक और बात जरूर इसके कंक्लूजन में कहना चाहेंगे कि इट्स मेजर पॉजिटिव पॉइंट इज एक्चुअली इट्स सीरियस लिमिटेशंस टू दैट इज लिमिटेशन टू दैट इट सेपरेट नॉर्म्स फॉर इलिटरेट एंड लिटरेट वंस. जो इसका ये एक पॉइंट है जो इसको कहीं ना कहीं पॉपुलर बनाता है, वही कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी कमी भी है कि हमने क्यों लिटरेट इलिटरेट के लिए नॉर्म अलग रखा. 1950 के स्टैंडर्डाइजेशन को आज भी फॉलो किया जा रहा है, लड़कियां हैं नहीं सैंपल में, सिर्फ लड़कों पर किया गया टेस्ट है, 16 साल से अधिक उम्र पर आपने इसको लिया नहीं है अपने सैंपल में. तो ये चीज यहां पर डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन इट इज अ सीरियस इश्यू एंड कंसर्न ऑफ भाटिया बैटरी दैट वेदर इट इज गुड और नॉट सो गुड टू पुट टू नॉर्म्स, टू सेपरेट नॉर्म्स फॉर लिटरेट एंड इलिटरेट वंस. ओके, सो इन दिस वे आई एम सो हैप्पी टुडे दैट आई हैव कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन अटमोस्ट टोटैलिटी. Okay, so thank you all and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education, and join my Telegram group too. Okay, done from my side.